चंपई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने फिर से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। वहीं विभागीय कार्यालय कक्ष में बन्ना गुप्ता ने कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार का लक्ष्य होगा। तो मंत्री बन्ना गुप्ता क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हम सुनाते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर यह सरकार को 5 साल का बहुमत था। कुछ कारणों से सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व की नई सरकार है और फिर वही टीम है और हम हमारे प्रधान सचिव अजय सिंह जी के कप्तानी में स्वास्थ्य विभाग को और ज़्यादा चाक चौबंद करेंगे और पूरी मजबूती से। मैंने पहले भी कहा था कि पहले हमारे पूर्व प्रधान सचिव अरुण सिंह जी थे, अब हमारे अजय सिंह आ गए। तो मैंने एक फार्मूला कहा था मैथमेटिक्स का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में अरुण सिंह जी थे, उनके साथ काम किया, अब अजय सिंह हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, तो दो ए हो गए, तो बी जो है टू स्क्वायर हो गया, इसलिए डबल दमखम आ गई है, ज़्यादा बन्ना गुप्ता डबल हो गया। तो और ज़्यादा मजबूती से करेंगे और जो बजट का खर्च है वो 50% हुआ है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, हमारा सीएससी पीएससी और हमारे सदर कैसे मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें कैसे मानव संसाधन की जो कमी है उसको दूर करें। तो सभी चीज़ों पर हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक पहले भी विचार कर रहे थे, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे और हमारे कुछ नए भी पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग में अच्छे और मजबूत पदाधिकारियों ने योगदान दिया है, उनके भी योगदान को हम बढ़िया के साथ कोऑर्डिनेशन करके आगे काम करेंगे। तो सुना आपने कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पदभार ग्रहण करने के बाद किस तरह से अपनी बातों को रखा है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार का लक्ष्य है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिन में झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ होती है। रांची से दर्श न्यूज के लिए मोहन कुमार।